दोस्तों आपको मालूम है कि 2024 आने वाला है और 2024 के आते आते कई सारी चीज़ें पुरानी हो जाएंगी, जैसे गाड़ियों के मॉडल, बाइक के मॉडल, और वो भी अपना स्टॉक क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आपको 2023 का स्टॉक काफ़ी सस्ते मिल सकता है, तो वहाँ पे भी आप अपना हाथ मार सकते हो। लेकिन अगर आप 4G स्मार्टफोन को तलाश कर रहे हो तो ये सही मौका है 4G फ़ोन को खरीदने का, क्योंकि अब इसके प्राइस ड्रॉप होने वाले हैं। लास्ट के कुछ जो 5-10 दिन बचेंगे उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि 4G के फोन के प्राइस काफी ज्यादा ड्रॉप हो चुके हैं, क्योंकि ये सब भी अपना 2023 का स्टॉक क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आपको 10-20% का प्राइस ड्रॉप देखने को मिल सकता है। हालांकि आप कहोगे यार 5G का जमाना आ चुका है, 5G की तरफ जाना चाहिए हमको, लेकिन अगर आप देखो कि अभी 5G कई सारे इलाकों में मौजूद है, आ भी रहे होंगे सिग्नल, लेकिन जहां मैं रहता हूं भाई 5G नेटवर्क है, यहां पे मैं दिल्ली में रहता हूं और अपने गली से बाहर निकलूं तो 5G आता है, गली के अंदर 5G नहीं आता है, तो दिक्कत तो है। तो यहां पर भी मैं अपना 4G का नेटवर्क ही यूज़ कर रहा हूं, और अगर आपके इलाके में भी 5G सिर्फ नाम के लिए आ रहा है, उसकी स्पीड उतनी नहीं आ रही है, तो भाई 4G बुरा नहीं है। अगर आपको अच्छे खासे प्राइस ड्रॉप के साथ में वो मिल रहा है तो 4G को कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक 4G ही चला रहे थे और शायद आने वाले 2-3 साल तक भी 5G नहीं आता, तो शायद हम 4G के ही मज़े ले रहे होते और वो भी कोई बुरी स्पीड नहीं दे रहा। दोस्तों इस पैकेट के अंदर ये जो आप चीज़ देख रहे हो, ये आपको देखने में शायद टिक्स लग सकते हैं, जो कि डॉग और कैट के होते भी हैं और पेट ओनर बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये किस तरीके की दिखते हैं, लेकिन ये वो नहीं है, ये दरअसल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के टमाटर हैं। आपको टमाटरों की हालत ऐसी, जी हाँ, ये नासा के एस्ट्रोनॉट फ्रैंक रूबियो ने तोड़े थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ही। दरअसल वहाँ पर एक प्रोजेक्ट चल रहा था जो था एक्सपोज रूट ऑन ऑर्बिट, जहाँ पर टमाटर उगाए गए थे और टमाटर उगाने के बाद में ये तोड़ के एक छोटे से बैग में रखे गए थे, और टमाटर भी बहुत ही छोटे थे, अंगूर जितने टमाटर लग रहे हैं मुझे तो उस हिसाब से, तो इन टमाटर को रख के वो कहीं पर भूल गए थे, जिसके बाद में अब पूरे 8 महीने बाद में ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से मिले हैं, जहाँ पर इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा था कि शायद फ्रैंक रूबियो ने खा लिए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, वो कहीं पर पैकेट रख के भूल गए थे, और पूरे 8 महीने बाद मिलने के बाद में इसकी हालत कुछ इस तरीके की है, ये सिकुड़ के टिक्स जैसे हो गए हैं। हालांकि इसके अंदर कोई भी फंगस और माइक्रोबल, मतलब इस तरीके की चीज़ें विजिबल तो नहीं है, हाँ किसी माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो बात कुछ अलग है, लेकिन हालत कुछ अभी इस तरीके की है, जो कह रहे हैं कि अभी ये बिल्कुल ठीक हालत में है। दोस्तों आपको मालूम होगा कि जापान के कोस्टल एरिया के अंदर जो मरी हुई मछलियाँ बहती हुई आ रही हैं, जिसकी वजह से जापान अब सारी दुनिया की नज़रों के अंदर है, क्योंकि इन्होंने जो कंटेमिनेटेड वाटर रिलीज़ किया है समुद्र के अंदर, उस पर ही दुनिया भर की नज़र है कि उसकी वजह से ये लाखों मरी हुई मछलियाँ वहाँ पर आई हैं, और इनके कोस्टल एरिया के आसपास में मछलियाँ काफ़ी ज़्यादा मरी होंगी जो बहके इन्हीं की तरफ में आ गई है, जहाँ पर जापान ने साफ साफ डिनाई कर दिया है। लेकिन अब जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर काम कर रहे वर्कर्स की नोज के अंदर हाई रेडिएशन लेवल डिटेक्ट किया गया है, जिसके बाद में ये कहा जा रहा है कि ये जो एम्प्लॉय थे, काम कर रहे थे, ये शायद इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं थे, इन्होंने अपना फुल फेस मास्क जो दे रखा था इनको वो शायद उतार दिया हो, जिसकी वजह से ये रेडियो एक्टिव मटेरियल के कांटेक्ट में आ गए हों। लेकिन फ़िलहाल के लिए वहाँ के टोक्यो बेस्ड एक इलेक्ट्रिक कंपनी है, उन्होंने कहा है कि इनको अभी हेल्थ का कोई भी इशू तो नहीं हो रहा है, हमने इनका बॉडी चेकअप कर लिया है, पूरी तरीके से स्कैन करके देख लिया, अभी कोई भी दिक्कत नहीं आई है इनके शरीर के अंदर। अब इनका टेस्ट 2024 जनवरी में फिर से किया जाएगा, उसके बाद में पूरा एनालाइज किया जाएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। लेकिन फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर से जो कंटेमिनेटेड वाटर रिलीज किया गया था समुद्र में, जापान का कहना है वो बिल्कुल सेफ था, उसकी वजह से ये दिक्कतें नहीं हुई हैं, ना ही मछलियों को ना ही वर्कर्स को। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में एक महिला होटल में रुकती है, जहां पर वो कॉन्सर्ट में जाती है रात को, लेकिन वो अपना हेयर ड्रायर चालू ही छोड़ जाती है। अब आप कहोगे इनका तो भाई बिल मोटा तगड़ा आया, जी हाँ मोटा तगड़ा बिल आया इनका $1400 का, जो करीबन 1,00,000 रुपये के करीब में हो जाते हैं। अब ये फाइन देखने के बाद में महिला हैरान रह जाती है कि हुआ क्या, आखिर मैंने किया क्या है। तो इनको बताया जाता है कि आपके हेयर ड्रायर की वजह से आपने चालू छोड़ा, वो चलो भूल जाते हैं, लेकिन उसकी वजह से फायर अलार्म एक्टिवेट हो गया और उसके बाद में फायर ब्रिगेड को यहाँ बुलाना पड़ गया, और वो जो पानी का सिस्टम होता है वो भी ऑटोमेटिकली चालू हो गया कि भैया आग लगने वाली है। अब यहाँ पर कुछ हुआ भी नहीं, ये सारी आपकी गलती की वजह से हुआ कि उधर से फायर ब्रिगेड आई, इधर से हमारा सिस्टम एक्टिवेट हो गया, तो ये फाइन आपको भरना पड़ेगा। अब ये महिला कोर्ट में लड़ रही है कि ये मेरे साथ हुआ क्या, मैंने तो हेयर ड्रायर ही तो ऑन करके छोड़ा था, वो बिल ले लो,
$10-15 का हो। दोस्तों जब भी आप जोमेटो से ऑर्डर करते हो तो भैया सस्ते से सस्ता खाना भी आपको शायद 200 रुपए का तो पड़ ही जाता होगा अगर आप पहली बार नहीं मंगा रहे हो, क्योंकि पहली बार में तो भैया डिस्काउंट कूपन शायद आपको 50% का मिल जाता है। अब इतना महंगा खाना मंगाने के बावजूद भी अगर उसमें से कीड़े मकोड़े निकल जाए तो भैया कोई क्या ही करे। दरअसल एक्स का एक यूजर है हर्षित, जिसने एक वीडियो शेयर करी है और ये बताया है कि भैया जोमेटो से मैंने एक ऑर्डर किया था टपरी बाय द कॉर्नर से, और वहां से मैंने चिकन फ्राइड राइस ऑर्डर किया था, और जब ये मेरे पास में आता है तो उसके अंदर चिकन के पीस की बजाय भैया कॉकरोच निकल जाता है, जिसके बाद में मैं अपनी कंप्लेंट करता हूँ और ऊपर से ये एक्स के ऊपर भी डाल देते। जोमेटो ने इनको कहा है कि भैया ये तो बहुत ही गलत हुआ है आपके साथ में, तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ऑर्डर आईडी दे दो, हम आगे देखते हैं इन्वेस्टिगेट करते हैं। देखो जोमेटो की इसमें कोई भी गलती नहीं, मैं नहीं कह रहा जोमेटो की गलती है, लेकिन जिसने बनाया उस रेस्टोरेंट की या फिर उस फूड आउटलेट वाले की गलती ज़रूर है। लेकिन यहाँ पर अगर इन्होंने कस्टमर केयर को कॉल करी होगी ना तो मुझे अच्छे तरीके से पता है इनको जवाब क्या मिला होगा। इनको कहा गया होगा इस खाने की पेमेंट आपको वापस रिफंड कर दी जाएगी, और इसी के साथ साथ आपको 100 रुपये का डिस्काउंट भी दिया जाता है हमारी तरफ से, और ऊपर से आप तो बड़े लकी हो गए सर, कॉकरोच निकल गया, उसने आपके काफी सारे पैसे बचा दिए आगे के लिए, आपके अगले ऑर्डर की डिलीवरी भी मुफ्त हो गई। लो अब ऐसा करो कॉकरोच साइड में हटाओ और खा लो, इतना कुछ तो मिल रहा है। चाइनीज भी यही खाते हैं, जैपनीज भी खा लेते हैं, अब भी खा लो। उधर से हर्षित ने कहा होगा ये कॉकरोच आपको पता है कहाँ, टॉयलेट बाथरूम उधर से भी होके आ रहे होते, मैं कैसे खा लूं। ये कहते होंगे नहीं नहीं किचन वाले ही हैं, आप खा लो, उसे फेंको खा लो।